आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। चान्हो प्रखंड के बरतुकरा गांव से लिए गए 49 लोगों में से 47 लोगों का सैंपल जांच किया गया। सारे सैंपल नेगेटिव पाए गए। दो सैंपल पर्याप्त मात्रा में नहीं रहने के कारण उसकी जांच नहीं हो सकी है। अंचल अधिकारी ने कहा, ये एक अच्छी व राहत भरी खबर है, लेकिन इस खबर के साथ कुछ सावधानियां और बरतने की जरूरत है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और किसी तरह का कोई अफवाह ना फैलाए और ना ही किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान दे। अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति गांव में आता है, उसकी सूचना तुरंत प्रखंड प्रशासन को दे। गांव के लोग बाहर ना जाएं। अत्यधिक आवश्यकता हो तो प्रशासन से संपर्क करें। इधर गांव के लोगों ने भी फैसला किया है कि अभी एहतियातन जो लोग क्वारंटाइन में हैं, वो अभी क्वारंटाइन ही रहेंगे और किसी भी तरह के लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। लोग सब अपने घरों में रहें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। सिमडेगा का कुछ लोग बलसुकरा आए हुए थे। जो लोग चले गए फिर वापस सिमडेगा, उसमें से एक लड़का को पॉजिटिव पाया गया। तो उसी के दौरान वहाँ जितने लोग बलसुकरा में, 4 लोग 5 लोग 6 लोग संपर्क में आए थे, तो आला अधिकारी हम लोग के पास आए गांव में और बोले कि इस तरीके से मामला है, जांच का विषय है। तो हम लोग ने अपने गांव के स्तर से फिर डिसाइड किए कि उन लोग का मान सम्मान हम लोग रखें और बोले कि चलिए सर, जैसा आप लोग बोलिएगा उसी तरीके से हम लोग भी करते हैं। तो 5 लोग को फिर जिला से पूरा टीम आई और उन लोग को क्वारंटाइन के लिए 5 दिन 5 लोगों को भेजा गया। उसके बाद आज 1 सप्ताह लगभग हो गया उन लोगों का और लगभग 49 लोग का यहाँ पे सैंपल लिया गया था। पूरे बलसुकरे गांव से पॉजिटिव मिला है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस चीज़ से ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है, ये एक बीमारी है और लॉकडाउन का अच्छा से पालन करें, सारे लोग इस चीज़ को ख्याल रखें। और दूसरी चीज़ कि हम लोग आला अधिकारी जितने भी लोग, हम लोग प्रशासन लोग को भी, उन लोगों को भी हम लोग मतलब काफ़ी वीडियो सीओ जितने भी लोग हैं, सारे लोग हम लोग को सहयोग किए। हम लोग भी गांव के स्तर से उन लोगों को सहयोग किए। उन लोग जैसे जैसे बात बोलिया, जो भी जैसे गाइडलाइन दिए हम लोग को, उसको हम लोग फोकस किए। तो बस यही मेरा सबसे आरजू विनती है कि सारे लोग जितने भी तमाम लोग हैं, इस लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें और इसका ठीक ठाक से ख्याल रखें। और ऐसा कोई भी बात अब बलसुकरा में नहीं है, जो बहुत तरह का हवा उड़ाया गया था, बहुत सारा मामला आया था कि इस तरीके से भाई इसको हॉटस्पॉट बनाया जा रहा, तो ये सब एक फेक न्यूज है। अफवाह में ध्यान ना दें, अब भेदभाव ना करें।